तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब वर्किंग डेज स्टार्ट हो चुके हैं और अग्नि परीक्षा के दिन आ चुके हैं। वैसे देखा जाए तो भाई साहब डंकी को अग्नि परीक्षा मतलब वर्किंग डेज की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही अग्नि परीक्षा दे रही है। शायद ये डिसीजन गलत होता साबित हो रहा है कि भाई साहब सालार के सामने रिलीज कर दिया। उधर वर्ल्ड वाइड में मतलब ओवरसीज में एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम चल रही है। दैट्स वाई कि डंकी भाई साहब बिल्कुल एवरेज ग्रोथ कर रही है, उतना नहीं आग फाड़ रही है जैसे शाहरुख खान की प्रीवियस दो मूवीज फाड़ के गई हैं लाइक पठान एंड जवान। भाई राजकुमार हिरानी का नाम है इसमें, जो डायरेक्टर पीके, थ्री इडियट एंड मुन्ना भाई, एमबीबीएस जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे चुके हैं जिन्हें भाई जब भी देखते हैं फ्रेशनेस आती है। लाइक डंकी में भी वही रुझान है, वही एरा को वही ऑरा को मैच कर रखा है राजकुमार हिरानी ने। जब भी आप देखोगे बिल्कुल फ्रेशनेस आएगी, ऐसा नहीं कि यह वन टाइम वॉचेबल मूवी है। बावजूद इसके भाई सब बॉक्स ऑफिस में वो कलेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि पूरा फेवर सालार ले चुकी है। सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से, हिंदी रीजन से जो कलेक्शन आ रहा है उतने पे ही ये मूवी टिकी पड़ी है। तो भाई साहब कल शानदार चार दिन कंप्लीट करके यार डे फाइव पर एंट्री मार चुकी है। क्या है कलेक्शन, कितना क्या हो चुका है नेट इंडिया से, ओवरसीज से, वर्ल्ड वाइड से, आज कैसा रुझान चल रहा है, वर्किंग डेज का और कितना भार यानी वर्किंग डेज की मार और कितनी तगड़ी पड़ी है इस मूवी को, सभी चीजों पर एक करके बात करेंगे। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब पहले चार दिन का कलेक्शन अगर मैं बताऊं इस मूवी का, तो डे वन सॉलिड ओपनिंग करी थी 29 करोड़ 20 लाख की, जो सिर्फ हिंदी से, ये मूवी सिंगल लैंग्वेज हिंदी में रिलीज करी गई है और हिंदी से ही अच्छा कलेक्शन इसे देखने को मिला है 29 करोड़ 20 लाख। एंड डे टू की बात करें तो 20 करोड़ 12 लाख, थोड़ा सा गिरावट आई है। एंड डे थ्री पर 25 करोड़ 61 लाख, डे फोर पर 31 करोड़ 50 लाख, यानी कल एंड ऑफ द डे तक, यानी कल फर्स्ट संडे पर ये मूवी 31 करोड़ 50 लाख के आसपास कवर अप करते नजर आ रही है, जो कि अर्ली एस्टिमेट है। जब ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तो हु नोज, ये आंकड़ा जो 31 करोड़ 50 लाख देखने को मिल रहा है 33 करोड़ 34 करोड़ देखने को मिल जाए, क्योंकि जो भी प्रिडिक्शन करी जाती है, जो भी अर्ली एस्टिमेट्स लिए जाते हैं वो मिनिमम स्केल पर लिए जाते हैं। तो क्या होगा वो तो ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। तो भाई साहब फर्स्ट 4 डेज में नेट इंडिया से ये मूवी 106 करोड़ 43 लाख का कलेक्शन कर चुकी है, जो अगर देखा जाए सिंगल लैंग्वेज में कलेक्शन के मामले में हिंदी से ही तो बहुत सॉलिड कलेक्शन है। क्योंकि प्रभास जो भाई इतना अच्छा उनका स्टारडम है, बावजूद इसके भाई साहब हिंदी से वो कलेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है जिस हिसाब की कमाई उन्होंने बाहुबली 2 में करी थी, बाहुबली 1 में करी थी, इवन आदि पुरुष जैसी डिजास्टर मूवी में फर्स्ट एंड सेकंड डे पहले 2 दिन में फाड़ के कलेक्शन किया था। लेकिन भाई फिर भी डंकी जबरदस्त कलेक्शन कर रही है डे 4 में। तो ग्रॉस कलेक्शन पहले 4 दिन का कितना हो जाएगा, 127 करोड़। ओवरसीज से यानी पूरी बाहर की दुनिया से ये मूवी सिर्फ 94 करोड़ पहले 4 दिन में लाते नजर आ रही है। कलेक्शन डाउन इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि भाई साहब एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, द डीसी की मोस्ट लवेबल फ्रेंचाइजी जिसका सेकंड पार्ट है भाई, वो तबाही मचा रहा है यूनाइटेड किंगडम में, यूरोपियन कंट्रीज में एंड यूएसए में। ये मूवी बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है हॉलीवुड की, खासकर मार्वल एंड डीसी की। तो वहीं से अच्छा कलेक्शन हमें भी देखने को मिलता है। लाइक नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ अमेरिका में सालार भी फाड़ रहा है। दैट्स वाई कि जो थोड़ा बहुत बचा कुचा कलेक्शन ओवरसीज से देखने को मिल रहा है वो डंकी के नाम आ रहा है, लेकिन गल्फ कंट्रीज से इसका कलेक्शन बहुत सॉलिड है। पूरी दुनिया से ये मूवी पहले 4 दिन में यानी कल एंड ऑफ द डे तक 219 करोड़ 22 लाख कर चुकी है, जो कि देखा जाए तो जबरदस्त है क्योंकि बजट रिकवरी तो हो चुकी है। 120 करोड़ का इसका बजट था, मूवी को कंप्लीट 120 करोड़ में कराया गया था राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में। तो देखा जाए तो भाई साहब बजट रिकवरी तो हो चुकी है एंड हु नोज, ये वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन शायद 500 करोड़ भी टच कर जाए। फिलहाल उसकी बाद में करेंगे, आज डे 5 है भाई, फर्स्ट मंडे है। अब देखा जाए तो बिल्कुल एवरेज ग्रोथ आ रही है, एवरेज ग्रोथ। अगर ये वर्किंग डेज में ऐसे ही रुझान देखने को मिल गए ना, तो हो सकता है 4 से 5 दिन में इसकी ग्रोथ पूरी डाउन हो जाएगी, जैसे टाइगर 3 के टाइम हुआ था, वर्किंग डेज में पूरी डाउन हो गई थी, इसकी वजह से हाइप बिल्कुल नहीं चढ़ पाई। तो भाई साहब आज बात करें डे 5 पर कैसी कलेक्शन है, तो एडवांस बुकिंग 8 करोड़ 30 लाख की है, सोज कम हो चुके हैं 10,000 के आसपास सोज हैं, जहां ओपनिंग शायद 16-17,000 के आसपास से स्टार्ट करा था, अब सोज कम हो चुके हैं क्योंकि सालार को वो सोज मिलने लगे हैं एंड एक्वामैन इन द लॉस्ट किंगडम को वो सोज मिलने लगे हैं। नेट इंडिया से आज ये मूवी कितना कलेक्शन करते नजर आ रही है, भाई साहब मुद्दे की बात करते हैं, 20 करोड़ के आसपास तो ये मूवी आज फिर भी अपने खाते में लेते नजर आ रही है। ग्रॉस कलेक्शन 25 करोड़ के आसपास, ओवरसीज से 10 करोड़ के आसपास और पूरी दुनिया से ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक यानी डे 5 पर
35 से 37 करोड़ के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। एंड हु नोज जब ये ऑफिशियल आएगा तो 40 करोड़ भी टच कर जाए, लेकिन देखा जाएगा फिलहाल के लिए तो 35 से 37 करोड़ ही आते नजर आ रहे हैं। तो भाई साहब 250 करोड़ के क्लब में ये मूवी आज अपने डे 5 पर एंट्री मार लेगी। जो एक बार के लिए जवान पठान से कंपैरिजन करें तो बिल्कुल बिल्कुल एवरेज ग्रोथ है, बिलो द एवरेज है, नॉट प्रॉपर एवरेज है भाई। फिर भी देखा जाए तो यार डंकी को जो मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, क्योंकि शाहरुख खान का नाम है, राजकुमार हिरानी का नाम है, क्योंकि सालार ने जो हाइप पकड़ी है, सालार ने जो भाई मोमेंटम अब सेट कर दिया है, वो धड़ल्ले से वर्किंग डेज में भी जबरदस्त काम करते नजर आ रही है और वर्ल्ड वाइड और ओवरसीज से तो अच्छी कमाई करते नजर आ ही रही है। तो भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, लाइफ टाइम कलेक्शन ये मूवी कितना कर सकती है, और पहले 10 दिन में क्या ये मूवी 350 करोड़ कवर अप कर लेगी नहीं कर लेगी, आपकी क्या राय है। बाकी लाइफ टाइम कलेक्शन मैं मान के चल रहा हूँ 500 करोड़ तो इसके खाते में आ ही जाएगा। आप लोगों का क्या कहना है, क्या 600 700 करोड़, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया जाना। मिलते अगली वीडियो में, जय।